तो हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, एमसीक्यूज फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स से हमारा क्या रहेगा, पार्ट सेवन रहेगा। इसमें हम क्या करें, वीडियो में कुछ और एमसीक्यूज देखेंगे जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म्स कुलियप्पा एंड द्रोणप्पा, कुलियप्पा एंड द्रोणप्पा किसको डिनोट करते हैं। ए है, फर्स्ट ऑप्शन है मेजरमेंट ऑफ लैंड, कितनी मेजरमेंट है लैंड की, उस हिसाब को कॉइन्स ऑफ डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यू, कॉइन्स ऑफ डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यू मतलब जैसे आज के ज़माने में 100 का नोट, 200 का नोट, 300 का नोट, जैसे उसी तरीके से कुलियप्पा या द्रोणप्पा कोई कॉइन्स को डिनोट करते हैं जिनकी अलग अलग वैल्यू है। क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड रिलीजियस रिचुअल, क्या ये अर्बन लैंड रिलीजियस रिचुअल कोई इसके धार्मिक कोई रिचुअल हैं वगैरह लैंड के रिलेटेड, या ये रिलीजियस रिचुअल हैं, रिलीजन के माना के ये रिचुअल्स हैं। ठीक है, तो अभी इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन है ए। ए क्या चीज़ है, मेजरमेंट ऑफ लैंड। तो कुलियप्पा एंड द्रोणप्पा क्या दिखाते हैं हमें, कितनी मेजरमेंट है लैंड की। ठीक है, इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द टैक्स एंड इंस्क्रिप्शन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड मेंशन वेरियस लैंड मेजर टर्म्स। तो गुप्ता और किसके टाइम में, गुप्ता पीरियड में बहुत सारे अलग अलग लैंड मेजर टाइम्स बताए थे। अगर किसके पास इतनी ज़मीन है तो उसको इतना इतना बोलेंगे, जैसे अंगुला 3x4 इंच वाज द स्मॉलेस्ट मेजर, सबसे 3x4 जिसको क्या बोलेंगे, इंच, 3x4 इंच सबसे छोटा मेजर था उनके टाइम पे, गुप्ता पीरियड के टाइम पे 3x4 इंच को क्या बोलते थे, वो अंगुला बोलते थे। उस तरीके से हस्ता जिसको क्या बोलते हैं, क्यूबिट वाज स्टैंडर्डाइज डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द एल्बो एंड द मिडल फिंगर। जो एल्बो से लेकर जो हमारी मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर का जो डिस्टेंस था उसको बोलते थे हम हस्त, जिसकी मेजरमेंट थी 18 इंचज। ठीक है, 18 इंचज उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज मेजर करके रखा था। लार्जर यूनिट से जो मेजर के इंक्लूड धनु, दंदा एंड नला। ठीक है, ये अलग अलग यूनिट से मेजर करने की। अभी लैंड मेजर की बात की जाए तो क्या था वो, जो मैंने आपको बताया अर्धवपा, जिसको बोलेंगे 3x8 से लेकर 1x2 एकड़। जैसे अगर किसी के पास आधी एकड़ ज़मीन है तो उसको क्या बोलेंगे, अध्यप्पा। द्रोणप्पा में क्या बोलेंगे, 1.5 एकड़ से लेकर 2 एकड़ तक। तो कुलियप्पा क्या बोलेंगे हम, 12 से 16 एकड़ तक। तो हमें पता चल गया जो कुलियप्पा था जो सबसे ज़्यादा मेजर था लैंड का, जो 12 से लेकर 16 एकड़ के बीच में था, और जो अध्यप्पा था वो सबसे छोटा था। ठीक है, दीज वर द एरियाज रिक्वायर्ड टू सो वन अदाका द्रोना एंड कुलिया ऑफ ग्रेन रिस्पेक्टिवली। तो वहाँ पे जितनी जितनी अमाउंट ऑफ ग्रेन रिक्वायर्ड थे उसको हम क्या बोलेंगे, उसी हिसाब से अदाका द्रोना एंड कुलिया ऑफ ग्रेन। पटाका वाज अनदर लैंड मेजर, पटाका भी एक अनदर लैंड मेजर था, जो किसको बोलेंगे हम, 60 से 80 लैंड हेक्टर को हम क्या बोलेंगे, 60 से 80 लैंड हेक्टर को पटाका बोलेंगे। ठीक है, अदर टर्म्स भी थी जैसे प्रवर्तपा, इस वच मस कुलियप्पा से भी छोटा था, वन फुट को क्या बोलते थे वो, पदवर्ता। ठीक है, इस तरीके से बहुत अलग अलग मेजरमेंट के यूनिट्स थे इनके टाइम पे। तो लैंड मेजरमेंट का यूनिट क्या था, कुलियप्पा, द्रोणप्पा, अदप्पा, उस तरीके से इसका। ठीक है, तो आंसर है इसका ए। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कितने जो मेंबर्स हैं राज्यसभा के, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ऑप्शन है ए 2, B 10, C 12 और D 15। इनमें से क्या ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, हमें बताना है इसका। ठीक है, तो चलो उसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन है सी क्या है, 15 नहीं 12। तो राज्यसभा क्या है, एक अपर हाउस है पार्लियामेंट का। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था पार्लियामेंट के एक दो हाउस होते हैं, एक होते हैं अपर हाउस और एक क्या होता है लोअर हाउस। अपर हाउस को क्या बोलेंगे हम, राज्यसभा बोलेंगे, और जो लोअर हाउस है उसको क्या बोलेंगे, लोकसभा बोलते हैं। ठीक है, जो अपर हाउस जो सीट्स हैं, जो कितनी सीट्स हैं, 250 मेंबर्स की सीट्स होती हैं उसके अंदर, जिसके अंदर 238 जो मेंबर्स हैं वो कौन इलेक्ट करता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट है रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको वो इलेक्ट करता है। ठीक है, और जो कहाँ के रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वाइल जो 12 मेंबर्स बचेंगे उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, प्रेजिडेंट, ऑन अकाउंट ऑफ देयर एक्सलेंस इन लिटरेचर, कोई लिटरेचर में बहुत अच्छा काम कर रहा है, साइंस में, आर्ट में, या सोशल सर्विस, कोई अच्छी सोशल सर्विस कर रहा है, तो उसके लिए उस हिसाब से मेंबर्स को प्रेजिडेंट नॉमिनेट करता है। ठीक है, तो आंसर इसका हमें पता चल चुका कि
राज्यसभा में कितने मेंबर्स प्रेसिडेंट डोमिनेट करता है? इसका आंसर है सी 12। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुंदा स्ट्रेट लाइज बिटवीन, जो सुंदा स्ट्रेट है वो किसके बीच में लाई जाती है? सुमात्रा एंड बोर्नियो। और जी ये सभी जो हमें ऑप्शन है ये क्या है? ये आईलैंड है। ठीक है, आईलैंड सुमात्रा एंड बोर्नियो, ये भी एक आईलैंड है। जावा एंड बोर्नियो, जावा एंड सुमात्रा, सुला वेस्ट एंड जावा। तो ये सभी क्या है? आईलैंड है। सुंदा स्ट्रेट एक ऐसी लाइन होती है जो दो आईलैंड को क्या करेगी? सेपरेट करेगी, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो वो सुंदा स्टेट किसको सेपरेट करती है? सुमात्रा और बोर्नियो, जावा एंड बोर्नियो, जावा एंड सुमात्रा, या सुला वेस्ट एंड जावा। तो इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर है सी। सी क्या है? जावा एंड सुमात्रा। सुंदा स्टेट किसको सेपरेट करती है? सुंदा स्टेट इज अ स्टेट बिटवीन इंडोनेशियन आइलैंड्स ऑफ जावा एंड सुमात्रा। तो ये कहाँ के आइलैंड्स हैं? इंडोनेशिया के आइलैंड्स हैं जावा और सुमात्रा। तो सुंदा स्टेट उनको सेपरेट करती है। इट कनेक्ट्स द जावा सी टू द इंडियन ओशन। और ये स्ट्रेट किसको कनेक्ट करती है? जावा सी को इंडियन ओशन के साथ कनेक्ट करती है। ठीक है, द नेम कम्स फ्रॉम द इंडोनेशियन वर्ड सुदान मीनिंग वेस्ट जावा। इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ सुंदनीज पीपल ऑफ नेटिव पीपल ऑफ वेस्ट जावा विद द जैपनीज पीपल बींग फाउंड मोस्टली इन सेंट्रल एंड ईस्ट जावा। तो सुंदा नाम क्यों रखा हुआ है स्टेट का? क्योंकि वहां पे जो लोग रहते हैं वो मेनली क्या है? सुंदनीज पीपल उनको कहा जाता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टेचू ऑफ बुद्धा बीन इंस्टॉल्ड। मोनोलिथिक क्या होता है? जो हम एक ही रॉक को क्या करेंगे, एक रॉक लिया हमने, उसको ही कट करके हम क्या बनाएंगे? उसका स्टैचू बनाएंगे। मोनोलिथिक मतलब सिंगल रॉक से हम स्टैचू बनाएंगे। तो सबसे बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू बुद्धा का कहाँ पे है? बमियान, हैदराबाद, कंडी, ल्हासा। तो इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, ए गया बमियान। तो बमियान में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू है बुद्धा का। ठीक है, तो बुद्धाज ऑफ बमियान वर 2-6 सेंचुरी मॉन्यूमेंटल स्टैचूज ऑफ स्टैंडिंग बुद्धा कार्व्ड इनटू द साइड ऑफ क्लिफ इन द बमियान वैली इन द हजारच रीजन ऑफ सेंट्रल अफगानिस्तान। तो ये कहा है कहाँ पे? हजारच रीजन में, सेंट्रल अफगानिस्तान में। ठीक है, दे वर डायनामिटेड एंड डिस्ट्रॉयड इन मार्च 2001 बाय द तालिबान ऑन ऑर्डर्स फ्रॉम लीडर मुल्ला मोहम्मद ओमार। तो उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, किसने डिस्ट्रॉय किया था? तालिबान ने डिस्ट्रॉय किया था। कब? 2001 में। फिर आफ्टर द तालिबान गवर्नमेंट डिक्लेयर दैट दे वर आइडल्स ऑन सेप्टेम्बर 8, 2008 आर्कियोलॉजिस्ट सर्चिंग फॉर ए लेजेंडरी 300 meter स्टैचू एट द साइड ऑफ ऑलरेडी डायनामाइटेड बुद्धाज अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ एन अननोन 19 meter 62 foot रिक्लिंग बुद्धा अपोज रिप्रेजेंटिंग बुद्धाज पैसेज इन टू निर्वाणा। तो ठीक है, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया तालिबान ने। फिर दोबारा आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको ढूंढा तो उनका सिर्फ कितना मिला था हमें? 19 meter स्टैचू मिला था। बाकी क्या हो गया था? जमीन के अंदर छिप गया था वो, यहाँ वो मिल नहीं पा रहा था। ओरिजिनली वो कितना था? बहुत बड़ा था वो, 300 meter का था। और उन्होंने डिस्ट्रॉय करके जो बचा था वो कितना था? 19 meter का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वॉज, सबसे पहली जो सिटी जो इंडिया में डिस्कवर हुई थी वो कौन सी थी? हरप्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? हरप्पा। ठीक है, सबसे पहली जो सिटी डिस्कवर हुई थी इंडिया में वो हरप्पा थी। ऐसे तो विलेजेस बहुत सारे थे इंडिया में, लेकिन जो सबसे पहली जो सिटी जो डिस्कवर हुई थी इंडिया में वो कौन सी हुई थी? हरप्पा सिटी। ठीक है, तो जो कब किसने डिस्कवर की थी ये? 1921 में दयाराम साहनी ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।